rectangular loop of wire is pulled to the right, away from the long straight wire through which steady current, steady मतलब होता है change नहीं हो रहा, ठीक है, I flows upwards. What is the direction of induced current in the loop? इस loop को देख सकते हैं आप. loop, अब देखो ये wire है, इस infinite wire के लिए जो B होता है वो KI by A 2 ये होता है, यानी कि B की proportionality distance from the wire से inverse है, यानी कि दूर जाने पर इस loop में से कम field lines pass होंगे. तो loop moves from a region of higher flux to lower flux. Okay? So, और कैसे direction कैसे होगा, आपको वही डंडी खींचनी, डंडी खींची और I cross R किया, कैसा किया, ये R है और ये I है ऊपर, फिर बना लो ऐसे, ये देखो ये I और ये R clockwise है, clockwise मतलब अंदर, higher magnetic flux to low magnetic flux, साथ में directed inwards, clockwise का मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ flux जा रहा है और घट भी रहा है, directed inwards, तो अंदर की तरफ घट रहा है, बर्बरी क्या करेगा, घटने का help करेगा, यानी कि अंदर ही तरफ flux induce करने की कोशिश करेगा, और अंदर फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, इनवर्ट्स, सो करंट इंड्यूस विल बी क्लॉकवाइज, करंट इंड्यूस्ड विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली अपना राइट हैंड थंब रूल लगाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं, अंदर क्लॉकवाइज, देखो आ गए मेरे कलर फिंगर्स, ठीक है. अगर किसी को ये लिखना प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसे करके निकाल के फाइनल आंसर निकाल लो और बस फाइनल आंसर ठूंस दो इस तरह के डेफिनेशन में, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.